जिस बारामूला में इनका अपना ही एक नाम है, जिस कल्चर कोऑर्डिनेटर नजीर साहब, बाकी सोशल कल्चर कोऑर्डिनेटर्स, एस्कॉर्ट टीचर्स और सबसे ऊपर और आला जो हमारे लिए टीचरों के लिए जो होते हैं, हमारे नौनिहाल प्यारे बच्चों, आदाब, गुड आफ्टरनून। देखिए, ये जो आज का प्रोग्राम यहाँ पर हुआ गांधी जयंती के हवाले से, हम सब लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती के हवाले से पूरे मुल्क भर में मनाया जाता है, ये इसीलिए मनाया जाता है कि हम जो अपने जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, जिन्होंने हमारे मुल्क को आज़ाद करवाया और जिन्होंने एक फ्री और पीस का माहौल इस हिंदुस्तान को दिया और जिस पीस और फ्री माहौल में आज हम जी रहे हैं, उनको हम याद करें और उनकी हिस्ट्री, उनकी लाइफ और उनकी फिलॉसफी पर यहाँ पर कुछ बातें करें। क्योंकि एजुकेशन जो है, एजुकेशन इज द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। सो व्हेन वी टॉक ऑफ डेवलपमेंट, दैट डेवलपमेंट मींस इन ऑल द पैरामीटर्स वी आर सपोज टू डेवलप ए स्टूडेंट इन हिज ऑल पैरामीटर्स, मे बी इन केस ऑफ एजुकेशन, मे बी इन नॉन स्कॉलरस्टिक एक्टिविटीज, मे बी इन अदर को करिकुलर एक्टिविटीज। जैसे कि जिस हवाले से आज यहाँ पर डिफरेंट कॉम्पिटिशन हुए और ये जो कॉम्पिटिशन हैं, ये साल भर हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बारामूला में और पूरे वैली में ये चलते ही रहते हैं। चाहे वो किसी वक्त किसी भी हस्ती के, किसी नेशनल इवेंट के हवाले से, चाहे फिट इंडिया के हवाले से, चाहे स्वच्छता पखवाड़ा के हवाले से, चाहे हम देखते हैं कि जो हमारे डिग्निटरीज जैसे मौलाना अब्दुल आजाद कलाम, इकबाल, इकबालियत पर भी हमने इस साल यहाँ पर सेमिनार्स किए, तो जो भी कोई हस्ती, जो भी कोई डिग्निटरी रही होती है, तो उन पर ये जो है हम ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट इवेंट्स। तो आज का ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का इवेंट था, ये सबसे पहले स्कूली लेवल पर हुआ। स्कूल लेवल में जो बच्चा हमारे वहाँ के टीचर्स ने देखा कि इसमें ये कैपेसिटी है, ये कैपेबिलिटी है कि ये आगे जा सकता है, तो स्कूल लेवल पर बच्चा चूज हो गए। क्लस्टर लेवल के कॉम्पिटिशन हुए, क्लस्टर लेवल के कॉम्पिटिशन के बाद जोनल लेवल के कॉम्पिटिशन हुए और आज उसी की एक कड़ी है कि यहाँ पर हम आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉम्पिटिशन में देखते हैं। तो माहिर साहब ने यहाँ पर एक शायर एक कहा था, उसका एक भाग तो उसने कहा, दूसरा भाग कहना शायद वो भूल गए, गिरते हैं शायद सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो बात हार और जीत की नहीं है, यहाँ पर आज कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, बात उसकी नहीं है। बात ये है कि आपने एक कोशिश की, आपने किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया, दिस इज एनफ, ये अपने आप में एक जीत है। सबसे पहले अपने टांगों पर खड़ा होना, एक बच्चा जिस वक्त नौनिहाल बच्चा होता है, जो 6 महीने, 5 महीने, 8 महीने के बाद उसका सबसे जो अहम और सबसे जो उसके लिए एक समझिए कि टारगेट होता है उसका, कि किस तरीके से वो अपने पांव पर खड़ा हो जाए, और जिस वक्त वो पांव पर खड़ा होकर कदम निकालना स्टार्ट करता है, उसके घर वाले भी खुश हो जाते हैं, उसके पड़ोसी भी खुश हो जाते हैं और वो खुद भी थोड़ा उसको एंजॉय करता है। इसी तरीके से सबसे हमारे एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा खुशी वो होती है कि ये बच्चा सामने आता है, सामने अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट करता है। बाकी ये जो कॉम्पिटिशन्स हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे कि यहाँ पर है ही, तो अगर हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी ना किसी को तो आना है,
कंटेंट्स आपके सबके सेम होते हैं, बट प्रेजेंटेशन, जैसे कि यहाँ पर माहिर साहब ने या बाहर साहब ने आपको समझाया होगा, इनकी काफी एक एक्सपीरियंस है इस जिम्मन में, इस फील्ड में। ये खुद भी एक यहाँ पर जो है कल्चर, इनका एक सोसाइटी एक चलती है महबूबुल शायद महबूब सोसाइटी कल्चरल इवेंट्स के हवाले से, और इनका जो कल्चर इवेंट्स जो है इवन कि मेरे ख्याल में इंडिया के हर कोने में हुए, तो इनकी बरक, इनकी माहिराना यहाँ पर नसीहतें, इनकी माहिराना बातें, ये आप सुनने के लिए कोई झूला से, कोई वागरा से, कोई डांगरपुरा से आया, ये एक आपके लिए ये काफी है। फिर यहाँ से आप जीत के जाओ या हार के जाओ अलग बात, और ये चीजें जो है एज ए स्टूडेंट ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रखनी है। ये इनके एक माहिराना बातें जो है इससे आप उभर के सामने आओगे, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको कोशिश करनी है कि किस तरीके से आप इन मौकों पे हिस्सा लें और किस तरीके से अपने कंटेंट्स को पेश करें, ताकि हम नंबर वन पर आए। यहां पर काफी लोग यहां पर आए जिन्होंने यहां पर इस डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन को निभाने में हमारा साथ दिया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। खासकर उसमें जो हमारे बाहर साहब हैं उसका तहे दिल से शुक्रिया है, हमारे जो माहिर साहब हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, क्योंकि उन्होंने एज ज्यूरी मेंबर गांधी अटैक में उन्होंने अपने फर्ज निभाए, और जिस तरीके से उन्होंने यहां पर उस फर्स्ट सेकंड थर्ड को सामने लाया होगा, इनकी अपनी एक माहिराना नजर है। हमारे क्यूज मास्टर यहाँ पर मनीर अहमद खान साहब थे, जावेद अहमद नजार साहब थे और मसल अहमद खान, इन तीनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि इनकी भी अपनी एक काबिलियत है, जिन काबिलियत की वजह पर हम हमेशा चाहे हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम चाहे हमारा जोनल लेवल का प्रोग्राम होता है तो हम इनकी माहिराना राय लेते हैं। हमारे यहाँ पर स्पीच के ज्यूरी मेंबर थे जूर साहब, सीनियर लेक्चरर नईम साहब, सीनियर लेक्चरर बशारत साहब, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के क्रीम हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की, इन पर बड़ी एक नज़र एक है, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं सभी उन टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने कि बहुत ही है, मुझे लगता है कि एजुकेशन के प्रोग्राम्स की जितनी कवरेज ये कर रहे हैं तो हम भी आप इसको अपने डिपार्टमेंट से बाहर नहीं समझते हैं। मैं रिजवान साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आफ्ताब साहब का शुक्रिया करना चाहूँगा, बाकी सब लोगों का, नजीर साहब जो हमारे हैं, जिस तरीके से इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट में कल्चरल विंग सीओ ऑफिस जो है पैदल चलते हैं, गांधी बने हुए होते हैं, गांधी की को असिस्टेंट्स होते हैं, फिर उनके साथ चलना, उनका मेन रोड में ट्रैफिक में सारा कंट्रोल करना। अब हमने यहां पर इस वक्त दीवान बाग पहुंचे हैं, हाई स्कूल दीवान बाग, दीवान बाग हाई स्कूल में आज रेस्ट रहेगा, कल दीवान बाग हाई स्कूल से हम 10 बजे आगे की तरफ चलेंगे, और परसों हमने ये जो है टॉर्च है ये हवाला करनी है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को। तो मैं आपको एक बात कहूंगा, ये कभी कभार ऐसा होता है कि कोई टीचर जो है स्कूल में जो रहता है वो भी अपने हिसाब से अच्छे मेहनत करता है, अच्छा काम करता है, बट जो जोनल लेवल पर एज कल्चर कोऑर्डिनेटर या कोई पॉइंट पर्सन काम करता है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एज पॉइंट पर्सन या किसी और कैपेसिटी में काम करता है, बाकी को खटक रहती है, शायद इमाम बनिया बोर्ड ऑफिसर क्या है, ये वही जानता है जिसको ये भुगतना पड़ता है। मैं आज ये समझता हूं, मैं आपको बातें बोलूंगा, आपकी नजर में ये सीओ की पोस्ट बहुत ज्यादा मतलब ये कहते होंगे आप बड़ा एंजॉय करता है, मगर आपको मैं बातें बोलूंगा, अगर हम 1 घंटा या 1 मिनट या 10 मिनट के लिए काम छोड़ देंगे तो कोई हमें सिपियर नहीं करेगा,
और दूसरी बात मैं बोलूंगा, यहाँ पर दिन के प्रोग्राम करके फिर शाम को जाना, फिर फाइलों का काम करना, फिर रात को फिर इसी तरीके से 12-1 बजे तक मैसेजेस देखना, बाकी चीजें चेक करना, ये कार्य दरअसल है। अब एक बात क्या कि आप जिस वक्त ये किसी को ये पोस्ट मिलती है तो इसको निभाना पड़ता है, अगर ना निभाए तो ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मैं आपको ये कहूँगा कि आप टीचर जो है, आप बड़े खुशकिस्मत हो, अपने स्कूलों में काम कर रहे हो, अपने नौनिहाल बच्चों के साथ हो, और अगर अच्छी तरीके से इन बच्चों की आप डेवलपमेंट के लिए काम करोगे, परवरिश के लिए काम करोगे, तो अल्लाह ताला आपको इसका जो है अजर आखिरत में देगा। और हमसे तो गलतियां होती ही, क्योंकि मैं एक बात बोलूंगा, एज ए ऑफिसर, एज ए कोई पॉइंट पर्सन, एज ए कहीं किसी भी जिस चीज का ओहदेदार होता है इंसान, वो सबको खुश नहीं कर पाता है, उसको कोई ना कोई नाराज होता है, कोई ना कोई गाली देता ही रहता है। तो लिहाजा ये गालियां या आपको वो बाकी चीजें नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही है कि क्लास में बच्चे हैं आप, इनके साथ आपने मेहनत करनी है, और ये आपको आखिर पर दुआएं ही देते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी। और जो भी इस प्रोग्राम को यहाँ पर निभाने में हमारी सहायता की, मैं उनका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, बशीर साहब का खास तौर पर जो हमारे यहाँ पर जो प्रिंसिपल है इस अदारे के, ये मैंने खुद देखा, एहसास किया, कहना तो नहीं चाहिए था मुझे, कुपवाड़ा से आते हैं, मेरे ख्याल में बाकी स्टाफ मेंबर से पहले पहुंचे हुए होते हैं यहाँ पर, सबसे आखिरकार यहाँ से निकलते हैं, बड़ी ही अपनी लगन से इस अदारे को चला रहे हैं, और जो भी कोई हमारा प्रोग्राम होता है उसके लिए मेरे ख्याल में एज ए होस्ट काम करते हैं, मैं इसका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।